प्रणाम। हाय, खुशामुद्दीन। वेलकम टू सत्या बायोग्राफी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या बायोग्राफी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के ट्रेलर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुए। इस पिक्चर की ट्रेलर, उस पिक्चर का नाम है शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची, जैसे आपको शिमला मिर्ची नाम सुनते आपको याद आएगा शिमला मिर्ची के बारे में, जो गोल सारे रंग का होता है, तो कभी लाल कलर का भी मिलता है तो कभी पीले रंग का भी मिलता है। तो शिमला से वो मिर्ची और काफी फेमस है और काफी अच्छा है खाने के में और स्वाद बनाता है। दरअसल इस पिक्चर का हम शिमला मिर्ची क्यों रखा है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं राजकुमार राव, जो काफी अच्छे एक्टर है, जो अब डेवलपिंग एक्टर है जो काफी अच्छा भी आगे बढ़ रहे हैं एक्टिंग के तौर में, एक्टिंग के क्षेत्र में। और इसमें जो हीरोइन के रोल कर रहे हैं वो है रघुलप्रीत सिंह, जो सिर्फ हिंदी में कम और साउथ इंडिया में फिल्मों में काफी फेमस है, जैसे तमिल हुआ या तेलुगु हुआ। इस पिक्चर में काफी फेमस एक्ट्रेस है वो है रघुलप्रीत सिंह। और इस पिक्चर में माँ की रोल कर रही है हीरोइन की, जो 80s की काफी फेमस एक्ट्रेस है, जो ड्रीम गर्ल के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको नाम सुनते याद आ गया होगा हेमा मालिनी जी, जो काफी दिनों के बाद पिक्चर में एक्टिंग कर रही है। वापस एक्टिंग में आपको दिखाई देगी, पिक्चर में दिखाई देंगे, वो है हमारी हेमा मालिनी जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पिक्चर में जो हमारे काफी अच्छे पुराने एक्टर एक है, जो सपोर्टिंग एक्टर के तौर में इसमें शक्ति कपूर जी इस पिक्चर में मेरे सपोर्टिंग एक्टर के तौर में आपको दिखाई देंगे। दरअसल इस पिक्चर का स्टोरी इस तरह है, ट्रेलर में आपको देखने को मिलेगा, दरअसल हीरो जो है एक लड़की के पास सिर्फ आई लव यू अपने प्यार का जिक्र करने से काफी घबराते हैं। ये शुरुआत से लेके ट्रेलर के एंड तक आपको यही देखने को मिलेगा। दरअसल इस पिक्चर के डायरेक्टर ने शायद यही सोचा है, यही कॉन्सेप्ट बना के इस पिक्चर को निकाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो फिर इस पिक्चर का नाम शिमला मिर्ची क्यों रखा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस पिक्चर का नाम अगर शिमला मिर्ची रखा है तो इस पिक्चर का स्टोरी क्यों इस तरह है कि अपना प्यार का इजहार करना और किसी लड़की को जाकर अपना प्यार बात कहना, ये इस पिक्चर की कहानी है जो शुरुआत से लेकर अंत तक इस तरह चलता है कि ट्रेलर में आपको देखने को मिलता है। जो बार बार हीरो जो घबराते हैं लड़की से कहने के लिए आई लव यू, फिर अपने हीरोइन से मिलते हैं और हीरो के जो दोस्त जो होते हैं, उनके जो फ्रेंड जो होते हैं, वो कहते हैं कि आप कब कहोगे, किस तरह कहोगे, आप आई लव यू कहें किसी लड़की से प्यार करने से पहले अरेंज मैरिज कर लो, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शादी हो जाएगी, इस तरह कहते हैं। और जब प्यार की बात कहने की आती है जब हीरोइन से, तो कहते हैं कि तुम किस तरह कहोगे, तो लिख के कहने की बात करते हैं, जो पुराने जमाने के स्टाइल की तरह, इस तरह आजकल के जमाने की तरह की नहीं कि व्हाट्सएप में कहो या तो फिर फेसबुक के द्वारा कहो या किसी और मीडिया सोशल मीडिया के द्वारा कहो, इस तरह नहीं कहने, डायरेक्ट लेटर लिख के कहने की बात करते हैं, जो हीरो को उनके दोस्त एडवाइस करते हैं और हीरो इसके लिए हाँ भी कहते हैं। और अपने हीरोइन के अपने प्यार बात कहने के लिए वो लेटर लिख के डालते हैं सीधा उनके घर के पोस्ट बॉक्स में, और वो जाता है सीधा उनके माँ के पास जो हेमा मालिनी जी के पास, और उसे पढ़ के उन्हें प्यार हो जाता है हीरो से, इस तरह चलता है। और दरअसल आपको ट्रेलर में इस तरह देखने को मिलेगा कि उसमें हीरोइन और हीरोइन की माँ समझ जाती है कि वो मेरी बेटी से ही प्यार करता है, बस उन्हें थोड़े घुमाने के लिए इस तरह करते हैं हीरो को। बाकी काफी अच्छा है ट्रेलर देखने के लिए, तो काफी अच्छा है। इस पिक्चर को डायरेक्ट किए हैं हमारे रमेश सीपी जी, जो काफी पुराने पिक्चर के डायरेक्टर रह चुके हैं और काफी दिनों का शायद अभी पिक्चर वापस डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए शायद हेमा मालिनी जी उन्होंने चुना है हीरोइन की माँ के रोल में, और नए हीरो और नए हीरोइन के तौर में इन दोनों एक्टर को चुना है, राजकुमार राव और रघुलप्रीत सिंह को चुना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पिक्चर में गेस्ट अपीयरेंस पर रोल कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड के किंग खान जो है शाहरुख खान, इस पिक्चर में और गेस्ट अपीयरेंस के रोल में आपको दिखाई देंगे। और इस पिक्चर के बैनर में जो रिलीज होने वाली है वो वेमकॉम 18 स्टूडियो जो बैनर में आपको रिलीज होने वाली है ये पिक्चर, वो भी 3 जनवरी 2020 में। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर का ट्रेलर शुरुआत से लेकर आपको एंड तक इस तरह दिखने को मिलता है, शायद पूरी कहानी इस तरह की आखिरी तक वो प्यार कहने में लगे रहते हैं कि हीरो हीरोइन के पास मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्यार करना आपसे बस अपने आई लव यू कहने के लिए सिर्फ इतनी बड़ी कहानी पूरी पिक्चर निकाला गया है कि नहीं मालूम। शायद कुछ बॉलीवुड में कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, पहले की तरह जो बस एक्शन लव और आखिरी में क्लाइमैक्स बस इस तरह चलता रहता है आपको हिंदी पिक्चर में देखने को मिलता है। इसमें कुछ नए अंदाज में कुछ नए तौर से देखने की कोशिश दिखाने की कोशिश की गई है पिक्चर के डायरेक्टर ने और शायद प्रोड्यूसर ने, इन लोगों ने सोच के कुछ नया सोचा है। देखते हैं जब पिक्चर अब रिलीज होगी तो पता चलेगा किस तरह है। तो थोड़ा कॉमेडी भी लगता है, कॉमेडी एंटरटेनमेंट की तरह है, कुछ अलग है। देखते हैं जब पिक्चर जब रिलीज होगी अगले महीने वो जनवरी 3 तारीख को, जब पता चलेगा कि पिक्चर
कि किस तरह है, लगे कॉमेडी एंटरटेनमेंट है या तो सिर्फ लव है आखिरी तक, बस अपन प्यार का इजहार कहना प्यार कहने में लगे रहते हैं। इस तरह जब पिक्चर रिलीज होगा तो पता चलेगा, देखते हैं जब रिलीज होगा। तो फिर हम इंतजार करेंगे जब अगले महीने, जब 3 तारीख को जब रिलीज होगा। तब तक के लिए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपना राय जरूर बताइएगा, आपका कमेंट जरूर दीजिएगा मेरे सत्या भैरव चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सत्या भैरव चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अप टू डेट में जो भी वीडियो में इसके बारे में पिक्चर नए ट्रेलर के बारे में या नए पिक्चर के रिव्यू के बारे में जो रिव्यू करूंगा तो आपको इतला होता जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।